से 2 साल पहले लापता हुए छात्र नजीब अहमद का पता लगा पाने में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई नाकाम साबित हुई। इस केस को लेकर सीबीआई को कई दफा कटघरे में भी खड़ा किया गया, लेकिन फिर भी सीबीआई एक छात्र का खाक तक नहीं ढूंढ पाई। इसी मुद्दे को लेकर आज सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसे कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी। दरअसल सीबीआई ने नजीब के ना मिलने पर हाई कोर्ट से सीआर लगाने की अनुमति मांगी थी। सीबीआई ने अपने दलील में ये कहा कि नजीब को गायब हुए 1 साल 11 महीने और 14 दिन हुए हैं, लेकिन उन्हें अब तक नजीब का कोई सुराग नहीं मिला। सीबीआई ने कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो नजीब का पता नहीं लगा पाए, जिसके बाद उसके पास क्लोजर रिपोर्ट दायर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वहीं हाईकोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट पेश करने की मंजूरी देते हुए कहा कि नजीब की मां को अगर कोई शिकायत है तो वे ट्रायल कोर्ट जा सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें जांच की स्टेटस रिपोर्ट चाहिए तो वो इसके लिए ट्रायल कोर्ट में याचिका भी दायर कर सकती हैं। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर 2016 को जेएनयू के माही मांडवी छात्रावास में रहने वाला नजीब लापता हो गया था। कहा जा रहा था कि पिछली रात उसका एबीवीपी के कुछ छात्रों से झगड़ा हुआ था। खैर, उस रात को आखिर क्या हुआ था इसका पता तो ना दिल्ली की तेज तरार पुलिस लगा पाई, ना ही सीबीआई जैसी बुद्धिमान जांच एजेंसी। लेकिन इस बीच जो पिस रहा है वो है नजीब का परिवार और उसकी माँ, जो अब भी यही आस लगाए बैठे हैं कि शायद उसका लाडला एक दिन जरूर घर लौटेगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टुडे। नवभारत टुडे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।